चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा? तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या दे रखा हुआ है, सोलर पावर लिमिटेड हैज़ पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट पर डे। तो यहाँ पे इसका जो कैपेसिटी दे रखा हुआ है हम लोग के पास कितना, तो 1000 मेगावाट पर डे का कैपेसिटी हम लोग के पास गिवेन है। क्या बोला आगे, ऑन एन एवरेज इट ऑपरेट 85% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी। देखिए 1000 का इसका कैपेसिटी है और 85% कैपेसिटी पे काम करती है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हम लोग के पास हो जाएगा 1000 का 85%, तो ये हम लोग के पास आ गया 850 मेगावाट का एक दिन का हो जाएगा। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम लोग के पास देखिए, सबसे पहले एक बार देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले क्या बोला है कि पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है 1000 पर डे के हिसाब से है और 85% कैपेसिटी पे काम करता है, तो 85% से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास पर डे का कितना आ जाएगा, तो 850 मेगावाट हम लोग के पास आ जाएगा। आगे हम लोग के पास समझ में क्या बोला कि द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज एज एंड, तो हम लोग के पास कॉस्ट इसका स्ट्रक्चर देखा जिसमें एम्प्लॉई का कॉस्ट है, सोलर पैनल का कॉस्ट है, मेंटेनेंस का कॉस्ट है और डिप्रिसिएशन का कॉस्ट है, सारा का सारा कॉस्ट हम लोग के पास पर एनम बेसिस पे दे रखा हुआ है। तो पर एनम बेसिस पे हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा है, अगर हम लोग टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 प्लस में 2550 प्लस 150 प्लस 5940, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 8840 लाख। तो इसका मतलब कितना, 50 इसमें और बढ़ा देंगे तो हम लोग के पास इतने लाख का क्या हो गया, इसका टोटल कॉस्ट हो गया। और एक दिन का हम लोग के पास दे रखा है कि इतना मेगावाट क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, जो पावर का जनरेशन हो रहा है कितना, तो 850 मेगावाट्स का पावर का जनरेशन हो रहा है एक बार, मतलब एक दिन में। अब हम लोग को सम्स में क्या बोला कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 किलोवाट ऑफ पावर, तो हम लोग को 1 किलोवाट का यहाँ पे निकालना है कि 1 किलोवाट पावर का यहाँ पे कॉस्ट कितना आने वाला है, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और 1 मेगावाट इज इक्वल टू कितना होता है, तो यहाँ पे 1000 किलोवाट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास सम्स में गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास ये जो सारा का सारा एक्सपेंस दे रखा हुआ है, ये पर ईयर बेसिस पे दे रखा हुआ है, मतलब पूरे साल भर का दे रखा हुआ है, तो हम लोग को जो कितना पावर जनरेशन हुआ वो भी तो पूरे साल भर का निकालना होगा ना, तो वो पूरे साल भर का निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट में उसके से डिवाइड कर देंगे, टोटल पावर जनरेशन यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका कॉस्ट आ जाएगा 1 किलोवाट पर जनरेशन का आ जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए टोटल कॉस्ट हम लोग के पास कितना हो गया, तो 8840 लाख हो गया। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, 8840 लाख हम लोग के पास कॉस्ट हो गया। अब इसमें डिवाइड करना है हम लोग के पास क्या, तो यहाँ पे पावर यूनिट से हम लोग को डिवाइड करना है, तो पावर यूनिट हम लोग को निकालना होगा, वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक दिन का हम लोग के पास 1000 दे रखा हुआ था, एक दिन का हम लोग के पास कितना दे रखा था 1000, इसमें 85% कैपेसिटी पे काम हो रहा है, तो 85 से हम लोग क्या कर देंगे, परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू करेंगे इसमें कितना, तो 365 डेज पूरे साल भर काम हो रहा है ना। देखिए ये सब सारा एक्सपेंस जब साल भर का दे रखा होता तो हम लोग को पावर यूनिट भी जो निकाला होगा वो साल भर का निकाला होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम लोग ये जो निकाले हैं वो निकला है किस चीज़ में, तो मेगावाट में, और 1 मेगावाट का कितना हम लोग किलोवाट में ले जाएंगे, तो यहाँ पे 1000 से फिर से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लोग के पास पावर यूनिट हो जाएगा, तो हम लोग पावर यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या जाएगा कॉस्ट पर 1 kW, ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा कॉस्ट इसका निकल के आ जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, तो 1000 इंटू 85% करेंगे, इंटू करेंगे 365, इंटू करेंगे हम लोग कितना 1000 ना, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 31025, फिर इस पर 40, तो ये हम लोग के पास हो गया। अब हम लोग को सिंपली डिवाइड कर देना है, तो ये 40 और यहाँ से 40 कैंसिल हो गया, अब हम लोग बाकी का डिवाइड कर देते तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 8840 इसमें डिवाइड करेंगे कितना, तो 31025 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 2.8493 पर kW था ना, तो पर kW हम लोग के पास क्या आ गया कॉस्ट निकल के आ गया, जिससे नीचे भी मिला लीजिए। तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट निकाला हुआ है, जो कॉस्ट हम लोग के पास टोटल जो आया था कितना आया था 8840 हम लोग के पास कॉस्ट आया था, जनरेशन हम लोग के पास यूनिट में आ गया था, तो कितना 310250 और इसमें मल्टीप्लाई किया कितना से, तो यहाँ पे 8840 तो ये हम लोग के पास आ गया था kW, मतलब मेगावाट में आ गया था। तो अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे इसमें जो हम लोग के पास मेगावाट था उसे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास मेगावाट का क्या आ गया कॉस्ट पर यूनिट, मतलब यूनिट आ गया मेगावाट के हिसाब से। अब इसमें 1000 से फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.849 और हम लोग का भी कितना था, तो यहाँ पे 2.8493 आ गया था। तो इस तरह से हम लोग के पास ये आंसर कंप्लीट हो गया, जो कि था इलस्ट्रेशन नंबर 15।